लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है और हर पार्टी के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए और उनके वोट खींचने के लिए जगह जगह संभाएं ले रहे हैं या रोड शो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर हैं। लखीमपुर में उन्होंने जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में चीन एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा को मोदी सरकार ने सुरक्षित किया और घुसपैठ रोकी। उन्होंने कहा कि जनता कभी नहीं भूलेगी कि कैसे नेहरू ने 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान असम और अरुणाचल प्रदेश को बाय बाय कहा था। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा, सालों से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा लटका रखा था। पीएम मोदी के समय में ही फैसला आया, भूमि पूजन हुआ और आखिरकार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। अमित शाह ने कहा, आपके पास दो विकल्प हैं, एक है राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा है। अमित शाह ने मतदाताओं से कहा कि फैसला आपको करना होगा कि आपका सांसद कौन होगा, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा।